हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। तो चलिए आज बी टाउन की इन खबरों पर नजर डालते हैं जो इस वक्त सुर्खियां बनी हुई है। जी हां, बी टाउन में कई अभिनेत्रियां अपने बॉन्ड से परफेक्ट फ्रेंडशिप गोल्स देती हैं। अब इस लिस्ट में दिशा पाटनी और मौनी रॉय भी शामिल हो गई हैं। मौनी और दिशा बी टाउन के नई बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाल ही में दिशा ने मौनी की बॉडी पर ऐसा कमेंट कर दिया जो सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर रहा है। दिशा पाटनी और मौनी रॉय बी टाउन की न्यू बेस्टीज हैं जो इन दिनों साथ में वेकेशन मना रही हैं। दोनों की बेस्ट फ्रेंड गोल्स देते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं। हाल ही में मौनी रॉय एक वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती हुई नजर आई जिसे उनकी बेस्टी दिशा पाटनी ने रिकॉर्ड किया। क्लिप में दिशा सड़क पर हॉट लुक में बलखाती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मौनी रॉय ऑरेंज व्हाइट बिकनी में नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने लुक को एक स्कर्ट के साथ स्टाइल किया है। वो बलखाते हुए सड़क पर टहलती हुई नजर आ रही हैं और दिशा उनके क्लिप बना रही हैं। मौनी उन्हें मना कर रहे हैं कि वीडियो ना बनाए क्योंकि उन्हें नर्वस फील हो रहा है। फिर भी एक्ट्रेस नहीं मानी। फिर मौनी ने गॉगल्स पहने और डांस करना शुरू कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। 2020 में इस समय तक देश में कोरोना वायरस ने जोर पकड़ लिया था। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था। लॉकडाउन होने के कारण सैकड़ों प्रवासी कामगार अपने गाँव से दूर बड़े शहरों में फंसे हुए थे। खाने की थोड़ी व्यवस्था है, ऊपर से परिवार में न लौट पाने का दुख इन कामगारों को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। विभिन्न राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को बहुत कठिन स्थिति का सामना भी करना पड़ा। घर लौटने के लिए उन्हें मीलों पैदल चलना पड़ा। यहाँ तक कि उस दौरान कई मजदूरों की कई कारणों से मौत भी हो गई थी। निर्देशक अनुभव सिन्हा ने उस मुश्किल वक्त को दस्तावेज के तौर पर अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार कर दी। फिल्म का ट्रेलर एक हफ्ते पहले रिलीज हुआ था। अभी ट्रेलर एक हफ्ते के बाद यूट्यूब से गायब हो गया है। जी हाँ, यही सच्चाई है कि ट्रेलर यूट्यूब पर आपको नजर नहीं आएगा। अनुभव सिन्हा की भीड़ का ट्रेलर पिछले हफ्ते यूट्यूब पर रिलीज हुआ था। ट्रेलर के रिलीज होने के बाद शुरुआत में विवादों की सुबगाहट हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में ट्रेलर को यूट्यूब पर कई लाख व्यूज मिल गए। ट्रेलर रिलीज होने के एक हफ्ते से भी कम समय के बाद यूट्यूब से वो गायब हो गया है। हर कोई उसे यूट्यूब पर ढूंढ रहा है। अगर आप यूट्यूब पर भीड़ का ट्रेलर सर्च कर रहे हैं तो जो वीडियो मिल सकते हैं वे अब यूट्यूब पर प्राइवेट वीडियो की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि कोई चाहकर भी उस वीडियो को नहीं देख सकता। हालांकि विवाद पर पर्दा डालने के लिए फिल्म के ट्रेलर को यूट्यूब से हटा दिया गया था। ऐसा करने के बाद तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या यही लोकतंत्र है। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर लगातार अपनी प्री वेडिंग फंक्शंस की फोटोज शेयर कर रही हैं। हल्दी, मेहंदी और संगीत की फोटोज मैट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं। वहीं फहाद अहमद भी हर फंक्शन में उनके साथ नजर आ रहे हैं। स्वरा के लिए 16 मार्च का दिन और भी खास है। स्वरा और फहाद आज दिल्ली में एक ग्रैंड रिसेप्शन देने वाले हैं। वेडिंग रिसेप्शन के कार्ड की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। स्वरा भास्कर के पिता उदय भास्कर ने सोशल मीडिया पर वेडिंग रिसेप्शन का एक इनविटेशन पोस्ट किया है जिसमें दिन, जगह और समय का भी जिक्र है। दिल्ली के एयरफोर्स ऑडिटोरियम में ये वेडिंग रिसेप्शन होगा जिसमें परिवार के अलावा खास दोस्त और कुछ बॉलीवुड हस्तियां भी शिरकत करने वाली हैं। फहद राजनीति से ताल्लुक रखते हैं तो उम्मीद की जा रही है कि इस वेडिंग रिसेप्शन में राजनीति से ताल्लुक रखने वाले भी बतौर मेहमान यहाँ पहुंच सकते हैं। बता दें कि 2019 में प्रोटेस्ट के दौरान स्वरा भास्कर की फहद अहमद से मुलाकात हुई थी और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे लेकिन इस बात की भनक किसी को भी नहीं लग पाई। 6 जनवरी को एक्ट्रेस ने फहद संग रजिस्टर मैरिज की जिसके बाद फोटो के जरिए स्वरा ने खुलासा किया कि उन्होंने शादी कर ली है। इस सीक्रेट वेडिंग ने हर किसी को चौंका दिया था लेकिन फहद के साथ स्वरा की खूबसूरत जोड़ी को हर किसी ने खूब प्यार दिया है। तो ऐसे ही मसालेदार चटपटे खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।